ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं वॉच डॉग्स लीजन। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि इस गेम का जो सबसे बड़ा विलन है जीरो डे, जिसने अपने डेडसेक गैंग के सबसे बड़े बंदे को मारा था, वैसे डेडसेक गैंग नहीं, डेडसेक ग्रुप के सबसे बड़े बंदे को मार दिया था, तो उसी का बदला लेने के लिए हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। अब जिस जिस जगह पर उसने बॉम्ब ब्लास्ट करे थे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया है, अब उन्हीं जगहों पर जाकर हम लोग वहां का एआर डेटा रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमें यह पता चल पाए कि आखिरकार वहां पर उस दिन हुआ क्या था। मतलब एआर डेटा रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है ना, हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है पास्ट का, मतलब दिखने लग जाता है अपनी आंखों के आगे। बाकी यार देखो, अभी ना फिलहाल आज भी काफी ज्यादा जगह हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। बाकी ये वाली गाड़ी कैसे लग रही है मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना। मतलब कि ना ही ये लंबोगनी है, ना ही ये लंबोगनी टैर्जो है, ना ही कोई अलग सी सुपर कार है, मतलब एकदम ही अलग ही गाड़ी है इस गेम की। वैसे चलने में काफी ज्यादा अच्छी है, बट हाँ साउंड उतना ज्यादा मेरे को खास नहीं लगा, क्रैकलिंग आती है बट उतने बढ़िया लेवल की नहीं। तो चलो यार कोई नहीं, गाड़ी वाड़ी तो अपना चलते रहेगी। ओके तो पहले तू निकाल ले भाई, निकाल ले भाई, मैं जगह दे रहा हूँ यार, ये देख लो। मतलब इतने घटिया ड्राइवर है ना, स्टेयरिंग जैसे हो ही ना इनके पास, मतलब मोड़ के नहीं निकालेगा, सीधी निकालेगा। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से अपनी गाड़ी में यहाँ पर आगे लेकर चलता हूँ, और इसमें मेरे को इतनी टेंशन नहीं होती गाड़ी ठुक जाए या फिर पिट जाए। ओके भाई, सामने की तरफ में एक बंदा है, ये कौन है? अभी फिलहाल ना मैं अपने मिशन के लिए जा रहा हूँ, जो कि मेरे को बैगली ने लास्ट टाइम पर दिए थे। यहाँ पर एक बंदा है, इसके ऊपर ग्रीन पॉइंट सा कुछ आ रहा है, ये हमें टैग पॉइंट देगा क्या? कौन है भाई तू? वो ये मेरे को मैजिक दिखा रहा है, इससे मैं बात नहीं कर सकता क्या? ओ नहीं नहीं, पिस्टल नहीं, पिस्टल नहीं, पिस्टल अंदर रख ले भाई, पिटवाएगा क्या बीच मार्केट में? ये क्या करना चाह रहा है गाइस? इसके मुक्का वुक्का मार दूंगा मुंह पे, ले तेरी ऐसी दसी हरकतें क्या चल रही है तेरी, मेरे को पहले वो बता। बाकी इसके सिर पे ग्रीन डॉट क्यों बनकर आ रहा था मेरे को समझ नहीं आया गाइस, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। मेरे को लग रहा था कि इससे मेरे को कुछ टैग पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे, मेरे को लग रहा है गाइस ये ना अपने काम का बंदा होगा, और इसे मैंने बेमतलब मार दिया। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं, हमें इस टाइम पर जाना है, एक जगह है टाउन अटैक साइट, जिधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहीं पर जाकर ना हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। और उधर देखो भाई साहब, मैडम जी को मैंने गिरा दिया, सॉरी सॉरी। अभी जल्दी से, ओ भाई साहब क्या बंदे, मैं आराम से रोड पे गाड़ी ले जा रहा हूँ, खुद ही रोड पर आ गए गाइस, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम एकदम प्रोफेशनल ड्राइवर है गाइस, हम बढ़िया ड्राइविंग करेंगे, अब किसी को नहीं ढोकेंगे। और गाइस मुझे ना अभी थोड़े बहुत टैग पॉइंट्स चाहिए, टैग पॉइंट्स ना समझ लो इस गेम का पैसा है, जिससे हम लोग कुछ सामान खरीद सकते हैं। बेसिकली इसमें सामान से वो मतलब नहीं होता, हम इसमें कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, और जितने भी अपने टूल्स हैं ना, जैसे फास्ट हैकिंग का या फिर उड़ने का, वेपन्स वगैरह, ये सब हम लोग खरीद सकते हैं। तो उसके लिए टैग पॉइंट्स चाहिए, और टैग पॉइंट्स हमें मिलते हैं कुछ अलग अलग जगहों पर। बाकी ग्रीन डॉट किस लिए बनकर आ रहा है बंदों के ऊपर, इनसे मैं बात भी नहीं कर पा रहा, इसका मोबाइल मैं हैक कर सकता हूँ, बाकी मेरे को उसकी जरूरत नहीं। ओके तो गाइस अभी ना फिलहाल इस जगह पर मेरे को टैग पॉइंट मिल सकता है, ये देखो ये जो मतलब कि ग्रीन वाला लोगो है ना, ये साइन होता है टैग पॉइंट का, पर ये बिल्डिंग पूरी पूरी रेड है, यानी कि यहाँ पर खतरा है। तो मैं बेमतलब के पंगे नहीं लेना चाहता, अपने काम पे फोकस करते हैं, वो काम करते हैं। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी सस्ती लैम्बोर्गिनी भगाता भगाता उसी जगह पर पहुंच चुका हूँ, जिस जगह को मेरे को इन्वेस्टिगेट करना है। ओके ओके वो भाई इलायस कौन है? इलायस को तो इधर से मैं जा सकता हूँ क्या अंदर? उधर किसी का ड्रोन उड़ रहा है। ओ नो, बच जा बच जा भाई साहब, गलत जगह से। ओके तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इसी जगह के अंदर जाकर मेरे को इस जगह को इन्वेस्टिगेट करना है, और एआर डेटा रिकंस्ट्रक्ट करना है, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आखिरकार इधर पहले कौन आया था उस टाइम पर, कौन यहाँ पर बॉम्ब प्लांट कर कर गया है। तो इसको मैं खोल सकता हूँ क्या? यार ये हैक भी नहीं होगा, शेट अभी मेरे को कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसके कनेक्शन भी तो मेरे को पता चल सकते हैं क्या? ओके गए तो हैं कनेक्शंस, बट ओ यहाँ पर अंदर शायद से कोई सीसीटीवी। ओके गाइस फाइनली यहाँ पर कुछ तो मेरे को मिला है, ये सीसीटीवी मैंने हैक कर लिया, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये वाला गेट ओपन करने का कहाँ सा है मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। गेट कहीं ना कहीं से तो ओपन होगा, इसका बटन कहाँ है? ओके इधर कुछ है। तो गाइस यार सामने की तरफ में एक आर्म ट्रैप था, उसको तो मैंने ऑन कर दिया, बट उसका कोई फायदा नहीं है। इस तरफ में एक और सीसीटीवी कैमरा है, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। यार ये बटन कहाँ पर है इसका? मैं बटन खोल के अंदर आ सकता हूँ? हुई इधर कुछ है, इधर ही मेरे को जाना है शायद से, एक मिनट पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक ये स्कैन मारता हूँ। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहाँ से तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऊपर की तरफ में जो कैमराज है ना उन्हें चेक करता हूँ, क्या पता तब मेरे को कोई ना कोई तगड़ा सा क्ल्यू मिल जाए। वैसे वो तो नीचे वाला कैमरा जिसके थ्रू मैं यहाँ पर आया हूँ, ओके तो सामने एक कैमरा और है, जल्दी से यहाँ पर चलते हैं। और गाइस यार इधर एक पीसी है, तो शायद से मैं इसे हैक कर सकता हूँ। ओके तो फाइनली यहाँ पर जो की है वो डाउनलोड होने लग गया है, अच्छा हुआ कि मेरे को यहाँ पर अंदर नहीं आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी भी थी। डाउनलोड हो जा फटाफट से। चलो गाइस 3% लेफ्ट, फाइनली ये डन हो गया। ओके बट अभी भी कुछ मिला नहीं है यार ज़्यादा मेरे को ना, बेसिकली देखो यहाँ पर पहुँचना है, तो अगर मैं यहाँ से आऊँगा तो ये सिक्योरिटी गार्ड मेरा मुंह तोड़ देंगे, मेरे को बस इसके अंदर आना है जो अल्बायन का है ना। बैक करो यार, ये सीसीटीवी कैमरे बंद करो, अब मैं अंदर ही जाने वाला। ओह गाइस ये खुल गया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा की मिल गई तो सीधी सी बात है खुली जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर ना मैं अपने हाथ में गन निकाल लूँ या नॉर्मली अंदर जाऊँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, पहले काम करता हूँ। गाइस यार ये जो गेट है ना इसको खोलते हैं, देखी जाएगी हमें कैसे अंदर जाना चाहिए। आराम आराम से जाऊंगा तो सीधा ही बढ़िया ही रहेगा भाई, ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। ओके
आराम आराम से करेंगे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं यार। गन नहीं यार, गन नहीं यूज करनी यार, गन यूज करना गलत बात होती है। एकदम आराम से टेक डाउन करेंगे गाइस। यार अगर मेरे पास थोड़ी बहुत टेक पॉइंट्स हो जाएंगे ना तो मैं बढ़िया सा ना कोई टूल ले लूंगा जिससे कि मैं एक घुसन में बंदे को ना साइलेंटली टेक डाउन कर दूं। यहां पर एक बंदा तो आया, इसको कोपचे में लिया और तेरी ऐसी दशा। शोर नहीं भाई, सब ब्लॉक कर लिया पूरा। अबे भाई कौन, अरे भाई अलवाहन के बंदे तो बड़े पावरफुल हैं। ओह भाई मेरे ही जड़ दिया इसने तो, तेरी ऐसी की तस्वीर। रुक जा बस, अभी ना इसके पहले रख रख के देना पड़ेगा यार एकदम। अबे इसके अंदर जान तो बहुत ज्यादा है, मेरे भर देगा। नहीं 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 नहीं, जा तेरी ऐसी की तस्वीर। पिस्टल पड़ेगी इसके, निकल यहाँ से। चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसे मार दिया। पीछे वाले बंदे हैं बट शायद से उन्हें पता नहीं चला है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें पता ना चला हो। बट कोई नहीं, अभी फिलहाल यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो अपना काम करके ही जाऊँगा, ठीक है। तो गाइस यार देखो, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, अभी पीछे की तरफ में एक बंदे को तो मैंने देखा था बट अभी वो मेरे को नजर नहीं आ रहा है। तो अभी जल्दी से यहाँ पर मैं सामने चलता हूँ जिस जगह को मैंने दूर से देखा था। यार ये जो आर्म ट्रैप है ना, इसी को यूज़ करके मेरे को अपना आधे से ज़्यादा काम करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, एक घुसन मारता हूँ और सीधा पे। ओह शिट, किसी ने देखा पीछे से। पीछे से देखा, ऊपर से देखा, कहाँ से देखा मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी। भाई देखा भी नहीं, कोई बंदा भी नहीं नजर आ रहा और कह रहे सस्पेक्ट नजर आ गया। ओके चलो कोई नहीं, ये जगह मेरे को यहाँ पर आना था क्या, मैं पहुंच तो गया यहाँ पे। तो गाइस यार इधर लिखा है फाइंड द सिग्नल सोर्स एट टाउन अटैक साइट, तो यहाँ पर मैं पहुंच गया हूँ बट अभी ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि सिग्नल सोर्स कहाँ पर है। और तू कहाँ से आ गया भाई, शॉट गन लेके। एक सेकंड, दप्पा करने की नहीं हो रही। ओ भाई थोड़ी गंदी तरह मार, तीरी ऐसी की तरह से निकल यहाँ से। यार यहाँ मैं पहुंच चुका हूँ बट मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। रुक जाओ, पहले इसको आने दो भाई, भागता हुआ आ रहा है बहुत तेज। आने दो आने दो आने दो, उस दीवार के उस पार है लेकिन। रुक जा बेटा, वहीं आके मारूंगा। आ जा, चल तीरी ऐसी की तरह से निकल यहाँ से। ओ नहीं नहीं, असॉल्ट राइफल नहीं भाई साहब, मैं जाऊँगा। चल तेरी भैंस की। गाइस यहाँ पर इन्होंने मेरे को तो मार ही डाला भाई, थोड़ा सा लेट होती है, अपना काम खराब हो गया। शिट यार, अभी फिलहाल शायद से मैं अपना करेक्टर स्वैप करना पड़ेगा। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल ये वाली जो अपनी करेक्टर है ना, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थी, इसे मैंने छत से गिरा दिया था। और ये जो दूसरा वाला, ये अभी मर गया। अपना लास्ट एक डेड सेक का बंदा बचा हुआ है। खैर ये दोनों मरे नहीं है इस टाइम पर ना गाइस, ये दोनों इंजर्ड हो गए। मेरे हिसाब से जो अपना मेन करेक्टर था ना, वो मर गया है। वो लड़की छत से गिरी थी इसलिए वो इंजर्ड है। और अगर ये भी मर गया तो क्या होगा मेरे को वो नहीं पता। तो इस बार जो काम है ना गाइस, काफी ज्यादा संभाल के तमीज से करना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये भी बंदा उसी जगह, मेरे को जाना पड़ेगा कि मैं वहीं पर हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। ओके तो मैं उसी जगह पर पहुंच चुका हूँ, ठीक है। भाई साहब यहाँ पर कितना गलत सीन है, देखो जितने भी बंदे यहाँ पर मरे थे ना, उन सभी का यहाँ पर मतलब फोटो इन्होंने ला के रख दिया है। तो चलो कोई नहीं, भी फिलहाल हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, क्या करना है गाइज इस टाइम पर। अगर ये मर गया ना, काम खराब है। बट एक चीज ना मेरे को समझ नहीं आई, जहाँ पर उन्होंने मेरे को जाने के लिए कहा था ना, उस जगह पर मैं पहुंच गया था। ओके तो ये वाला गेट तो खुल जाएगा फटाफट से। हमें यहाँ पर ना चुपचाप से अंदर जाना है, एकदम आराम से, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेरे पास पिस्टल है ना, इस वाले करेक्टर के पास गन है ना। ओके चलो ठीक है, गन तो मेरे पास है तो काम आराम से करना। हाँ गाइस देखो, यही वो वाले बॉम्ब थे। ओ नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज, उसको शक हुआ है मेरे ऊपर, उसको लग रहा है उसने यहाँ पर किसी को देखा है। तो चुपचाप से मैं यहाँ से निकल लेता हूँ उसको। ओ शिट, देख लिया। तो गाइस यार शायद से ना इसने मेरे को देख लिया, इसको आने दो आने दो आने दो। तेरी ऐसे करके निकल यहाँ से। एक में ही गाइस यार मैंने सर ढेर कर दिया। अभी जल्दी से अंदर चलते हैं, इस बार या तो मारूंगा, मर के नहीं आने वाला। बट तो गाइस यार इस बार ही ना कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाहर की तरफ में भी काफी सारे बंदे हैं। ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं, फिर से जोल्ट राइफल वाला आ गया। जो गाइस यार इस बार ना कवर लेकर फाइट लूंगा, ऐसे नहीं। पिछली बार तो मैंने गलती कर दी थी बट इस बार वो गलती नहीं करनी है। एक गया, तेरी ऐसे की निकल यहाँ से। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसे मार दिया। पीछे से भी कुछ बंदे आ गए, रुक जाओ। मत्थे पे जब तक नहीं पड़ती ना, इनको समझ नहीं आता। भाई 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 भाई, आराम से काम करना था और वही काम मैं ऐसे लड़ लड़ के कर रहा हूँ भाई। तो चलो गाइस अभी ना दो बंदों को तो मैंने मार दिया है, एक बंदा अभी भी यहाँ पर ना अंदर आने की कोशिश कर रहा है। शायद से ना अभी तक तो उसको मेरे ऊपर शक हो रहा था बट अभी ना उसको मेरे ऊपर शक नहीं हो रहा है। तो जो अभी फिलहाल यहाँ पर आके चलती रही ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। एक और अजॉल्ट नहीं निकल। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसे मार दिया। मैं इसकी पिस्टल नहीं उठा सकता क्या, मतलब पिस्टल नहीं, इसकी गन काश में उठा पाता तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहता। अभी फिलहाल जल्दी से ना हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं और इस साइड को ना गाइस इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहीं पर आने के लिए मेरे को पहले इन्होंने कहा था, मैं पहुंच भी गया था लास्ट टाइम, पता नहीं यार वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है। इन्वेस्टिगेट का कोई बटन वटन होता है क्या अलग से, वैसे यहाँ पर ना कुछ पड़ा तो हुआ था। ओके तो फाइनली यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ बट मैं इन्वेस्टिगेट किससे करूंगा। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, बिना फिलहाल यहाँ से मेरे को ना एक डैमेज स्पाइडर बोट का। ओके सीन बेटर डेज आई गेस आई नो द फीलिंग व्हाट द हेल वाज इट डूइंग हियर डिफिकल्ट टू से बट विद एन AR रिकंस्ट्रक्शन वी मे बी एबल टू सी व्हाट हैपेंड टू इट एंड इफ इट रिलेट्स टू द अटैक। ओके Data relays in the vicinity, and I can compile enough data to build the AR reconstruction.
ओके। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ना एक स्पाइडर बोट ना टूटी हुई पड़ी हुई थी जिसको हमने मतलब ना इन्वेस्टिगेट करके पता करा है। तो पहले मैं यही गलती कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था वो क्या पड़ा हुआ है। जब मैंने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी ना अच्छे से जब देखा तो पता चला कि वो स्पाइडर बोट थी। तो यानी कि यहाँ पर स्पाइडर बोट आई थी, और स्पाइडर बोट बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब किसी की हम लोग जासूसी करते हैं। तो शायद से यहाँ पर कोई ना कोई जासूसी तो कर रहा था। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं इसे ओपन कर देखता हूँ इसके अंदर क्या सीन है। अभी जल्दी से यहाँ पर अपना ये की डालते हैं और देखते हैं गाइस अभी ना मेरे को यहाँ पर जितना भी डेटा है वो रिकंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अभी फिलहाल एक के अंदर मैंने कर दिया, यहाँ पर दूसरा वाला सेटअप कहाँ है, यहीं कहीं पर दूसरा सेटअप भी है तो वो शायद से ना ऊपर वाले फ्लोर पर है। तो अभी जल्दी से हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं। इधर अभी ना गाइस दो सेटअप है, उन दोनों सेटअप के अंदर हम लोग सारा डाटा निकालेंगे, फिर हम यहाँ का डेटा जो है रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि जब ये बिल्डिंग ब्लास्ट नहीं हुई थी तो उस टाइम पर यहाँ पर क्या हो रहा था उससे पहले। ठीक है, तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से उन दोनों जगहों पर भी चलते हैं जहाँ पर इनके बाकी दो सेटअप्स लगे हुए हैं। तो शायद से यहाँ पर एक कंप्यूटर हो रहा है। तो चलो ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ से अपना काम हो जाएगा। अब सारा डेटा हम लोग इधर से भी निकाल लेंगे। तो चलो सारा का सारा ओके ठीक है। अभी एक और बचा हुआ है, अभी जल्दी से मैं वहां पर चल रहा हूं। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां पर सिक्योरिटी होगी, क्योंकि इस साइड के बंदे तो मैंने मार दिए थे, बट वहां के बंदे शायद से नहीं उधर के भी तो बंदे मैंने मारे थे जब मैं सेकंड टाइम आया था। तो चलो अभी जल्दी से हम लोग यहां पर ऊपर चलते हैं। बाकी वहां पर एक कैमरा है। वैसे यार ये सारा काम ना मैं कैमरे से भी कर सकता था, मुझे इतनी लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी। तो चलो अभी जल्दी से सारा इसका डेटा निकालते हैं, उसके बाद डेटा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि आखिरकार इधर बॉम्ब प्लांट किसने करे। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल इधर जितना भी डेटा था ना वो मैंने सारा का सारा हैक कर लिया है। अब बस मुझे ना एआर फुटेज एनालाइज करनी है। बाकी अभी ना फिलहाल शायद से मेरे को ओ तेरी तूने मेरे को कब देखा, बिना फिलहाल इसको मारना पड़ेगा यार, ये यहां पर कब आ गई मेरे को पता ही नहीं चला। तो चलो अभी फिलहाल मैंने इस बंदे को मार दिया। मुझे लग रहा था यहां पर जितने भी बंदे हैं मैंने सबको मार दिया है, बट अभी फिलहाल बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। पीछे से भी काफी सारे बंदे भाग कर आ रहे हैं। ओ नहीं 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 भाई साहब इधर की तरफ में बंदा था, रुको पहले ना गाइस इसको मारना पड़ेगा। शॉटगन मारेगा निकल यहां से, एक पड़ेगा ना इसका मत्थे पे, इसका दिमाग हिल जाएगा। चलो यहां पर ना गाइस देखो हेडशॉट मारोगे तो ही बढ़िया सीन है, वरना ये लोग ना बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से ही मारते हैं। एक प्लीज एक हेड पड़ जा। तो चलो अभी फिलहाल इसको मैंने मार दिया है। भाई इस टाइम पर ना एचपी मेरी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, यहां पर आकर मेरे को पहले छुपना पड़ेगा, उसके बाद देखता हूं मुझे कैसे इन लोग को ठिकाने लगाना है। अभी ना फिलहाल एक बंदा सामने से भागता हुआ आ रहा है, एक शॉट मैंने इसके यहां पर बजा दिया है, बाकी नॉकडाउन ही करते। ओ नहीं 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 निकल यहां से, एक और बजाऊंगा। गाइस अभी ना फिलहाल इसकी आधी एचपी है, एक अगर मैंने हेडशॉट मार दिया ना इसका काम खत्म हो जाएगा। बाकी उसके पीछे से भी एक बंदा M249 लेकर आ चुका है। तो गाइस यार एक काम करता हूँ, पहले ना चुपचाप थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठ के ना हील अप कर लेता हूँ। बाकी ये बंदा कुछ ज्यादा ही स्पाइडरमैन बन रहा अपने आप को, भाई चार पांच बंदे आ गए, एक और सिक्योरिटी गार्ड आ रहा सामने से। निकल यहां से, ओके एक हेडशॉट प्लीज हेडशॉट। चलो फाइनली ये भी डाउन, तीन तीन चार चार बंदे डाउन हो गए। एक और बजा हुआ पीछे, बट इसको लग गया उसके, मेरे को पता ही नहीं था कि उसके इतनी दूर से लग जाएगा, बट कोई नहीं फिलहाल। तेरी भाई सब यहाँ तो एक बंदा लेकर बैठा हुआ था। रुको। तो गाइस यार देखो मुझे ना चुपचाप से एआर डेटा फुटेज एनालाइज करनी है, लेकिन यार ये लोग कुछ ज्यादा खतरनाक है, मेरे को मेरा काम नहीं करने दे रहे और अपना मुंह तुड़वाए जा रहे हैं बेमतलब। चल यहां से, ओके तो इसको मैंने मार दिया, लेफ्ट साइड में एक बंदा बचा है, पहले इसको चल के मारता हूं इसका मत्था, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार से नजर आ रहा है। बाकी इधर की तरफ में भी एक बंदा, इधर 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 ओ भाग के कहां जा रहा है, वहां क्या कर रहा है भाई, एक सेकंड अल तेरी यहां पर इसके इस उधर कहां देख रहा है भाई, बेचारे को क्या ही बुरी तरह मारा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे हिसाब से अब जाकर सारे के सारे बंदे मारे जा चुके हैं। अभी ना गाइस जल्दी से यहां पर मैं नीचे चलता हूं और इधर जो एआर डेटा फुटेज है ना मेरे को एनालाइज करनी है, जितना भी डेटा मैंने कलेक्ट करा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग यहां पर चेक करते हैं आखिरकार सीन हुआ क्या था। ये देखो जितना भी सीटीएस, ओके तो देखो यहां पर ना ये सारा का सारा हमें पास्ट नजर आ रहा है उस टाइम का जब बॉम्ब ब्लास्ट यहां पर हुआ था। ओके यहां पर दो बंदे आए थे कुछ इस टाइप से बैग लेकर और इससे कुछ बात कर रहे थे और इसके साथ चले गए। ये डेटा जितना भी है सारा कलेक्ट करने के बाद हमें ये सब पता चल पा रहा है, अदरवाइज नहीं पता चलता। बाकी ओके तो गाइस ऊपर की तरफ में यहाँ पर एक स्पाइडर बोट है, यानी कि इस जगह को कोई और भी बंदा एनालाइज कर रहा था। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ऊपर की तरफ में जो वेंस की पाइप है उसके अंदर एक स्पाइडर बोट है, यानी कि उस टाइम पर ना इस जगह को कोई ना कोई तो एनालाइज कर रहा था। अभी फिलहाल जल्दी से ना ओके ठीक है, फुली डिक्रिप्टेड द सिग्नल द स्पाइडर बोट इज ब्रॉडकास्टिंग। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल अपने साथ ये सीन जो है बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया, जिस चीज को हम लोग ओके तो वो जो स्पाइडर बोट है वो कुछ उस टाइप से ना अंदर गई थी। अभी फिलहाल हमें भी अंदर जाकर देखना पड़ेगा, बट मैं तो अंदर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं एक काम करता हूँ अपनी वाली जो स्पाइडर बोट है ना उसको यहाँ पर मैं फेंकता हूँ, उसको अंदर भेजता हूँ, अब वो मेरे लिए काम करेगी। अभी जल्दी से यहाँ पर अपनी स्पाइडर बोट को कंट्रोल करते हैं और जल्दी से गाइस अभी ना इसे अंदर लेकर चलते हैं।
भाई साहब ये काफी ज्यादा ना मतलब समझने वाली चीज है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ना आपको बहुत सही तरीके से समझ आ जाएगी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी स्पाइडर बोट को लेकर इस वाली साइड पर आ चुका हूँ। तो गाइस यार देखो अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो सीन कुछ ऐसा है, जिस जगह को हम लोग इन्वेस्टिगेट करने आए हुए हैं ना बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, इसी जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले कोई और बंदा भी यहाँ की जासूसी कर रहा था अपनी स्पाइडर बोट से। अगर हमें उसकी वो स्पाइडर बोट मिल जाती है या फिर हमें उससे रिलेटेड कुछ भी मिल जाता है तो हम लोग आगे का डेटा पता कर सकते हैं। बाकी भी फिलहाल मैं चलकर ओके। तो गाइस यार मैं भी ना वेंस में बैठकर दूसरी राइड पर आ चुका हूँ, बाकी यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इधर की तरफ में ये ओ भाई साहब यहाँ पर तो किसी का हाथ है जिसके ऊपर कफ लगी हुई है, वो भी इस वाले बैग से। ओके तो यहाँ पर मेरे को इसका एक एक्सेस कार्ड तो मिल गया है। ओके ठीक है फिलहाल ये मैंने ले लिया है। चलो ठीक है मेरे हिसाब से अपना कार्ड ही सारा काम कर देगा। एनालाइज द एआर फुटेज। एआर फुटेज में कहाँ एनालाइज करूंगा यार, रुक जाओ शायद से यहीं पर मेरे को एनालाइज भी करनी है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल ऐसे तो मैं एआर फुटेज एनालाइज नहीं कर पाऊंगा, मुझे ना यहाँ से बैक होना चाहिए और सबसे पहले अपनी स्पाइडर बोर्ड को ना यहीं पर कैच कर लेना चाहिए। अब ये जो जगह है ना यहाँ पर मैं सारा का सारा डेटा डालता हूँ और अब मुझे मालूम पड़ेगा कि आखिरकार सीन क्या है। बाकी अपनी स्पाइडर बोर्ड यहीं से बाहर आ गई क्या? ओके चलो सही है ये भी। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग यहाँ पर दोबारा से इन्हें एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। ओके किसी बंदे का इसने नाम लिया है कैली। ओके क्लैन कैली है कोई बंदा जो कि इस बॉम्ब की प्लानिंग के पीछे उसका हाथ है। क्लैन कैली और जीरो डे मिलके ये काम कर रहे हैं। ओके अब इस सीन के बाद देखो हम बाकी डाटा ले आना, अब हमें आगे का सीन पता चलेगा। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल हमें इतना तो कंफर्म हो चुका है कि इस बॉम्ब प्लांटिंग के पीछे जीरो डे के साथ साथ क्लैन कैली का भी हाथ था। तो चलो अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग अपनी स्पाइडर बोट को दोबारा से भेजते हैं क्योंकि ये लोग ना इसके बाद अंदर गए थे, तो हमें ना यहाँ पर अंदर जाकर ही मालूम पड़ने वाला है कि ये लोग आगे कहाँ गए होंगे। बाकी ये वाली जगह तो बंद है तो मैं आगे कहाँ से जाऊँगा, एक सेकंड रुक जाओ। जितना आगे आगे हम जाएंगे उतना डेटा हमें मिलते रहेगा। तो ये लोग ओके तो ये लोग यहीं पर आए थे आगे, बाकी मैं आगे गया तो था यार उस टाइम पर। चलो कोई नहीं। ओबे भाई ये स्पाइडर बोट पीछे कैसे चली गई? चलो कोई नहीं जल्दी से मैं आगे लेकर चलता हूँ। भाई स्पीड इसकी काफी ज्यादा यार, मतलब ऐसे भागती है ना मैं क्या बताऊँ। तो चलो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ओ भाई साहब तो गाइस यार ये देखो ये सारे के सारे वही बॉम्ब्स हैं, इन्होंने ना इस बिल्डिंग में लाकर प्लांट करे थे और ये वही बॉम्ब है जिसको हमने डिफ्यूज करा था डेल्टन के थ्रू। भाई साहब क्या ही खतरनाक सीन हो रहा है यार यहाँ पर, तो मतलब एकदम ही खतरनाक है। गाइस अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो ही ये समझ आने वाला है, वरना तो सिर के ऊपर से जाने वाला है सब कुछ। तो सीन अभी कुछ ऐसा है। ओके पहले ना मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ, बाकी एक सेकंड मेरे को अब कौन सी जगह एनालाइज करनी है। तो गाइस यार देखो इसी वैन को एनालाइज करना था और मैं इतनी देर से कहाँ पर घूम रहा हूँ। तो चलो यार अभी ना जल्दी से यहाँ पर से मैं एनालाइज करता हूँ। ओके ये एक एक बंदे के बारे में पता चलेगा। That's certainly one way to pull off a massive coordinated attack while remaining anonymous. Zero Day needed manpower and resources, but they needed them at an arm's length. And it doesn't take a lot of AI detective to see that both Clan Kelly and Albion. Clan Kelly, sorry, I meant Clan Kelly. बोल देता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितना भी एआर डेटा रिकंस्ट्रक्ट हुआ था वो सारा का सारा हमने कलेक्ट कर लिया। अभी ना गाइस जो बैग लिया है जो अपना रोबोट है वो कह रहा है कि अभी ना तुम एक काम करो, वो जो स्पाइडर बोट यहाँ पर उस दिन आकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तुम बस उस स्पाइडर बोट को ढूंढ लो, क्योंकि अगर वो मिल जाएगी, क्योंकि यार वो तो उसी दिन प्रेजेंट डे पर सब कुछ चेक कर रही थी, अगर वो स्पाइडर बोट मिल जाएगी तो सीधी सी बात है हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या हरकत हुई थी, कौन कौन उसमें शामिल था। अभी हमें एक बंदे के बारे में पता चल गया, एक्चुअली वो लड़की है क्लैन कैली करके उसका कुछ नाम है, तो वो उसकी हेल्प कर रही थी इस टाइम पर जीरो डे की इस बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए। तो चलो कोई नहीं भी फिलहाल अपना इतना काम हो चुका है, जल्दी से हम लोग यहां पर बाहर निकलते हैं इस जगह से। बाकी तो यार यहां पर भी कहीं ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी गार्ड आ जाए वरना अपना सारा काम खराब हो जाएगा। बाकी ये देखो ड्रोन को ना मारने में बड़ा मजा आता है। एक ड्रोन गया, बाकी एक ड्रोन ये रहा, इसको भी गाइस मैं बहुत आराम से फोड़ सकता हूं लेकिन अभी मैं फोड़ना नहीं चाह रहा। जल्दी से गाइस हम लोग यहां से निकलते हैं फटाफट से। बाकी तो एक ड्रोन ये रहा, इसको भी डाउन करो। और गाइस अगर आपको नहीं पता एक हैकर के पास क्या क्या पावर्स होती है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। बाकी ये जगह लॉक्ड कैसे होगी? अच्छा वो सामने से मेरे को पहले से अनलॉक करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं जल्दी से मैं अनलॉक करता हूं जल्दी से। ओके ये क्या था? ओ, मैं इसे डाउनलोड कर लूंगा की तो फिर मैं वाला गेट ओपन कर पाऊंगा। तो गाइस यार देखो धीरे धीरे ना मैं सब कुछ सीखता जा रहा हूँ इस गेम के अंदर भी, मतलब कि कोई भी अगर गेट खोलना है ना तो सबसे पहले वहाँ की डाउनलोड करो, जितने भी उसके पास कंप्यूटर है उसके अंदर से मैं की मिल जाएगी, उसके बाद गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो चलो फिलहाल यहाँ पर गेट मिल चुका है। ओके न्यू स्कॉटलैंड यार्ड ठीक है। Oh, sorry. Tail on the real bombers. They sure have kept their mouths shut. Suppose they were in on it too.
The only way to know for sure is to investigate New Scotland Yard. तो चलो गाइस, अब ना फिलहाल यहाँ पर बैगली कह रहा है कि ना तुम सीधा जाओ स्कॉटलैंड यार्ड, मतलब कि शायद से ना वो एक टाइप से यहाँ का मतलब कॉप्स का डिपार्टमेंट है, और वो जो स्पाइडर बोट है ना वो शायद से उनमें से किसी एक बंदे की थी। तो अगर हम वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं और बाय चांस अगर हम वो हमें वो वाली स्पाइडर बोट मिल जाएगी जो उस दिन यहाँ की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो सीधी सी बात है भाई अपना सारा का सारा काम आसान हो जाएगा। बाकी तो यार एक सेकंड पीछे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी जा रही है, जल्दी से वाली मैं गाड़ी लेता हूँ। वैसे आज ना एक बार को मेरे को लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, मतलब कि जो अपना पहले वाला करेक्टर था, क्या नाम था उसका, थॉमस नहीं, मैं उसका नाम भी भूल गया, वो तो बेचारा डाउन भी हो गया था। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल एकदम पूरे शहर में लेकर मजे काटने के बाद पहुंचने वाला हूं न्यू स्कॉटलैंड यार्ड पे। बाकी यार देखो राइट साइड में कितना ज्यादा बड़ा झूला है और उसके ऊपर भी लिखा हुआ है अल्बान। तो वैसे ये जो न्यू स्कॉटलैंड यार्ड है ना, बेल्गी कह रहा है कि वो जो मतलब कि स्पाइडर बोट है यहीं पर हो सकती है। अब वो भी शायद से 100% श्योर नहीं है, बट मैं 100% श्योर हूं कि वो यहीं पर होगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि बेल्गी सही होता है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अंदर चलते हैं। बाकी यार मैंने आपको एक हैकर की पावर का दिखाता हूं कि क्या अंदाज है। तो चलो अभी फिलहाल यहां पर ये देखो गाड़ी में रेस दी और बंदा बेचारा हैरान हो गया कि गाड़ी पीछे गई कैसे, और वो देखो भाई गाड़ी कहां तक चली गई, मतलब कि मैं किसी का भी एक्सीडेंट करवा सकता हूं। ये देखो ये वाली गाड़ी ने इसमें ठोक दी, मान लो इस गाड़ी को पीछे करना। ओ ओ ओ सर क्या दिक्कत होगी, मैंने कुछ करा? अच्छा ये लोग भी कंट्रोल कर सकते हैं क्या, मेरे को लग रहा था सिर्फ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। नहीं नहीं सर सर मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ किया ही नहीं है। अभी जाने दो गाइस, अभी मैं मिशन पे हूँ, फालतू हरकत नहीं करनी। लेकिन यार ये कुछ ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, इसको सबक तो सिखाओ। मैं ये वाली गाड़ी भी पीछे करता हूँ, एक आध गाड़ी के नीचे आएगा ना तो इसे पता चलेगा, इसके फोन पे एक मैसेज भेज दो। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल उस बंदे को हम लोग बाद में परेशान करेंगे, अभी हम जल्दी से न्यू स्कॉटलैंड यार्ड के अंदर चलते हैं। बाकी ये मैडम जी यहाँ पर बैठ के रो किस ले रही है, तो चलो कोई नहीं, फिलहाल हमें अपने काम पर फोकस करना है। एक काम करता हूँ गाइस, यहाँ पर ना मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, और सामने की तरफ में भी एक बंदा है और इसने यहाँ पर एक बंदे को पकड़ रखा तीरी ऐसे की दसी। निकल यहाँ से। बाकी यहाँ पर ओ भाई 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 जान तो इसके अंदर बहुत ज्यादा है बेटा, बुलेट्स नहीं चलनी चाहिए, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे सर 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 तू अपना भाग यार, मैं तेरे को रेस्क्यू करता हूँ, अभी जल्दी से यहाँ से भगाना पड़ेगा भाई। ओ, ओ, ओ नहीं नहीं मेरे को मत मार। अरे ले भाई सब इसके ही पड़ गई क्या गलती से, अबे लेट किसे ले रही है जमीन पे, मैं उसको बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो चलो फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको मार दिया, अबे जाना। तो गाइस यार एक तो ये जो लड़की है ना इसको मैंने रेस्क्यू करवाया, लेकिन ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है लवर ऑफ ऑपरेटिव डैनियल। ये डैनियल कौन आ गए, जाती क्यों नहीं है यहाँ से, इसे मार वार दूंगा। इधर आती रही ऐसी, भाग यहाँ से निकल अपना चुपचाप। एक तो मैं इसको बचाने आया, ऊपर से मेरी अलग कुटाई करवा दी। तो चलो यार अभी जल्दी से अपने मिशन पे फोकस करते हैं, वरना इन सबका तो चलता ही रहेगा। फटाफट से गाइस यार यहाँ पर मैं स्पाइडर बोट को ड्रॉप करता हूँ, जल्दी से यहाँ पर टैप करा, ये गई अपनी स्पाइडर बोट, और जल्दी से इसे गाइस यार अभी ना अंदर लेकर चलते हैं इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर गेट यहीं कहीं पर था ना, सबसे पहले तो ना मेरे को ये वाला जो गेट है ना आगे जाने का वो अनलॉक करना है, ठीक है। ओ नहीं 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 भाई साहब ये कहाँ से भाग के आ रहा है, अभी इसको क्या दिक्कत होगी भाई, मैं डर गया कि यार ये मेरे को पकड़ने आ रहा है क्या। चलो कोई नहीं, वही मैं सोचा यार अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, लड़ाई पहले होने लग गई। बाकी यहाँ से अगर मैं अंदर जाऊँगा तो नहीं यार, यहाँ से मैं अंदर नहीं जा सकता, इस जगह को टाप के यहाँ भी ग्लास लगा हुआ है, शिट। तो गाइस यार देखो यहाँ की जो सिक्योरिटी है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, सीधी सी बात है कि अगर मैं इसे पार करूँगा तो मैं फंसने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा है, इसे भी मैं नहीं पार कर सकता, मतलब एक टाइप से ना ये लेज़र वाला है, जैसे डिटेक्ट करेगा ना कोई भी आइटम यहाँ पर आए गड़बड़ हो जाएगी। बाकी सामने एक सीसीटीवी कैमरा है, तो चलो अभी फिलहाल ये सीसीटीवी कैमरा मैंने हैक कर लिया है, इसको डिसेबल करते हैं, शायद से इसको डिसेबल करने के बाद अपना काम हो जाएगा। बाकी अपनी स्पाइडर बोट कहीं ये रही। तो चलो गाइस फाइनली यहाँ पर जो अपनी गेट है वो अनलॉक हो चुके हैं, अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग यहाँ पर चुपचाप से अंदर चलते हैं। ओ ओ ओ वहाँ पर सामने की तरफ में एक बंदा है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने से बढ़िया ना गाइस अभी मैं ऊपर। ओ भाई इधर सामने से एक बंदा आ रहा है, इसको पहले जाने दो, जान दे जान दे जान दे जान दे जान दे गया। तो अभी जल्दी से मैं ऊपर चलता हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि आखिरकार वो स्पाइडर बोट कहाँ हो सकती है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी वाली स्पाइडर बोट को तो लेकर यहाँ पर ऊपर आ गया हूँ। बाकी सामने की तरफ में एक गेट है जो कि मतलब पीछे से जहाँ से एंट्री हो सकती है, बट मेरे को उधर नहीं जाना, उधर एक सिक्योरिटी गार्ड है, अच्छी बात है उसने मेरे को देखा नहीं। ये वाला गेट हम लोग ओपन करते हैं, अंदर कुछ है क्या काम का? ओके तो यहाँ पर ये सामने, ओ इधर गाइस एक सेकेंड, ये शायद से स्पाइडर बोट है ना, ये स्पाइडर बोट तो है लेकिन ये टूटी हुई है, पता नहीं यार यही वाली स्पाइडर बोट है को। हाँ गाइज जहाँ तक मुझे लग रहा है गाइज यही वो स्पाइडर बोट है, एक मिनट रुक जाओ यहाँ पर क्या है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो फाइनली वो हमें स्पाइडर बोट मिल चुकी है जिसको हम लोग ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। अंदर की तरफ में एक ना साइंटिस्ट है या फिर इंजीनियर है जो कि उसे रिपेयर कर रहा है, तो यही स्पाइडर बोट हमें लेकर यहाँ से जानी है। बट मेरे को ना उसके लिए पहले यहाँ तक चुपचाप पहुँचना है, इस बंदे को चुपचाप मारना है, तभी ये काम अपना आसान होगा। बिना गाइस फिलहाल जल्दी से मैं यहाँ से बैक होता हूँ। गाइस ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है बट तुम्हारा भाई करके ही रहेगा। अभी चुपचाप से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके तो ये रहा वाला गेट गाइस, अब आने वाला है असली मज़ा, वो स्पाइडर बोट मेरे को लेकर आनी है जल्दी से जल्दी बाहर। ओके 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 वैसे मैं उस स्पाइडर बोट को चला के लाऊंगा या उठा के लाऊंगा, वैसे सीधी सी बात है टूटी हुई है तो मेरे को उसे खुद ही लेकर जाना पड़ेगा। ओके
तो लेकर जाना नहीं पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा। बाकी यार सामने की तरफ में यहाँ पर ना एक लड़की खड़ी हुई है, इसको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ इसके मोबाइल पे मैसेज भेजकर, और यहाँ से मैं रास्ता क्रॉस कर लेता हूँ। चलो ठीक है। ओ भाई साहब मेरे को लगा पीछे से कोई आ गया। अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं। सामने की तरफ में एक बंदा है, बट अंदर जाने का रास्ता, हेलो अंदर कहाँ से जाऊँगा मैं भाई साहब? यहाँ तो पूरे में ग्लास लगे हुए हैं, शर्ट में बुरा फंसा भाई, मैं बिना देखे ना गलत ही अंदर आ गया हूँ। तो गाइजर देखो बिना फिलहाल मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं अंदर कहाँ से जाऊंगा, बट हाँ उस तरफ में ना गाइजर एक गेट है और वही शायद से ना अंदर जाने का रास्ता है। तो उस गेट में जाने के लिए मेरे को ना पहले उस साइड जाना पड़ेगा, बट बाहर की तरफ में तो सिक्योरिटी गार्ड था ना शायद से। ओके पीछे कोई है, पीछे का सर 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 निकलो यहाँ से। ओके काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से तुम्हारे भाई ने इसको मारा है। ओ तेरी भाई किसने मारा? रुको 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 भाई, गड़बड़ होगी, गड़बड़ कर दी मैंने बहुत ज्यादा बड़ी। पहले छुपना पड़ेगा यहाँ पर। ओके इसने भी मेरे को देख लिया, निकल यहाँ से तू भी फिर। ओ ओ ओ शोर कैसे मचा रही है? तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल सामने से भी काफी सारे बंदे आ गए और मेरा बचना ना इस टाइम पर मेरे को लग रहा है एकदम इम्पॉसिबल सा हो चुका है। इससे बढ़िया मैं एक काम करता हूँ, जब लड़ाई करनी है तो सीधा बाहर निकल के क्यों ना करी जाए। बाकी यार इस तरफ में कुछ लेजर्स है, तो उस लेजर को मैं क्लोज कर दूंगा। मैं कहाँ पहुंचूंगा? ओ भाई सायरन वायरन ही बजने लग गए इधर तो। ओ मैं ये कहां से आ गया? तो गाइस यार इस टाइम ना मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि मैं इधर भागकर क्यों आया हूं। सामने की तरफ से भी बंदे आ गए हैं, पीछे की तरफ से भी बंदे आ गए हैं। तो पहले ना सामने वालों को क्लियर कर देता हूं, वरना दोनों साइड से मैं बहुत ही बुरा फंस सकता हूं यहां पर। बाकी यार इस तरफ में ओ ओ ओ आराम से यार, ये काम मेरे को काफी ज्यादा आराम से करना पड़ेगा। एक बंदे को तो मैंने मारा, निकल यहाँ से पूरा भाई साहब, पूरा मारना पड़ेगा, वरना यार ये हमेशा की तरह मैं वही कर रहा हूँ यार, लड़ने लग जाता हूँ मैं हर जगह जाकर। जो काम आराम से हो सकता है वो काम आराम से करना है, क्योंकि अगर ये बंदे मरने लग गए ना तो सीधी सी बात है अपनी डेड सैक ऐसी खत्म हो जाएगी जो कि हमने इतनी मेहनत से भी बनाना स्टार्ट भी नहीं करी है। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर जो बंदे थे इनको मैंने मार दिया है, बाहर निकलना पड़ेगा मेरे को जिधर से मैं भाग कर आया हूँ। एक तो यार ये वाला जो सीसीटीवी है डिसेबल भी नहीं हो रहा, वो वाला गेट किधर था जिसके अंदर मेरे को जाना था? ओ तेरी निकल यहाँ से, इतनी पास से मारूंगा ना हेडशॉट देखता रह जाएगा। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मैं इतनी देर से अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ, इधर मैं बंदों से लड़ रहा हूँ बेमतलब में, लेकिन यार ये स्पाइडर बोट जो खराब वाली है ना इसको भी मैं हाईजैक कर सकता हूँ। ये चीज मेरे को पहले पता होती तो मैं यही ना कर देता, बेचारे साइंटिस्ट को मतलब इंजीनियर को करंट लग गया। ओके तो भी फिलहाल अपना काम यहाँ पर हो जाना चाहिए। भाई ये तो चल ही नहीं पा रही। ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल सीन ये है कि ये जो इंजीनियर है ना इसे ठीक कर रहा था, इसके मतलब कि ना टोटल 6 लाख होते हैं, अभी फिलहाल इसके टोटल 5 लाख है जिसमें से एक खराब है, तो ये ढंग से ऊंची जंप भी नहीं मार पा रही। ओह शिट अब मैं ऊपर कहां से जाऊंगा? रुक जाओ पहले देखना पड़ेगा, पहले ये जो छोटा वाला स्टूल है ना इसके ऊपर मैं जंप मारता हूं। Q2 raise/lower। तो अभी जल्दी से हम लोग यहां पर Q प्रेस करते हैं। ये वाला जो ग्लास है ये ओपन हो गया है, अब ना बस इसके बीच में से मेरे को निकलना है। अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकल पाया तो अपना समझ लो काम खराब हो जाएगा। बाकी हर तरफ में यहां पर ऐसे लगे पड़े हैं, बट जरूरी नहीं है हर जगह का ओपन हो जाए। मेरे को गोल्डन मास्क मिल गया। ओके मैं एक बारी पहले बाहर निकलने की ट्राई करता हूँ, गोल्डन मास्क बाहर में जाए यार मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं है टाइमिंग का सीन है सारा का सारा। तो गाइस यार देखो बेसिकली मुझे इस खराब स्पाइडर बोट को ना इस जगह से लेकर बाहर निकलना है, क्योंकि इसी के अंदर वो सारा का सारा डेटा स्टोर है जिसके थ्रू हम लोग 0 डे के और भी ज्यादा करीब पहुंच पाएंगे। लेकिन यार अभी सीन ये कि मैं अंदर आ नहीं सकता और उसको बाहर निकालने के लिए मेरे को जगह नहीं मिल रही है। अभी यहाँ पर ना एक ये मेरे को ग्लास दिखा था, मैं कोशिश कर रहा था कि ना इसके बीच में से निकलूं, बट अभी अभी मुझे पता चला कि इसके बीच में भी ग्लास लगा हुआ है। तो यार कोई ना और रास्ता है जो कि हमें यहाँ से बाहर निकालेगा, गेट भी तो नहीं खुल रहे हैं। बाकी ऊपर ओ गाइस ऊपर की तरफ में शायद से वो रास्ता, भाई साहब मैं इतनी देर से यहाँ पर लगा हुआ हूँ और अब जाकर वो रास्ता मेरे को मिल रहा है। तो सबसे पहले मेरे को इसके ऊपर जंप मार के आना है। ओ भाई साहब ये था गाइस यार इस गेम के अंदर जो हमें पजल सोल्व करनी होती है ना गाइस, ये सच्ची में अमेजिंग है। तो चलो फाइनली यहाँ पर हमको जगह मिल गई है। ओह मैं सोच रहा था ये जगह बंद है, बट एक्चुअली ये तो जंप मारने के लिए था। अभी फिलहाल मैं जंप मार के यहाँ पर आ चुका हूँ, और भी ज़्यादा ऊपर जाने का। ओके मुझे लग रहा था वो जगह खुली हुई है जो कि मेरे को नजर आई थी, तो शायद से मेरे को जगह मिल गई है। प्लीज़ ये जगह हमें यहाँ से बाहर निकाल दे। ओके गाइस फाइनली हम लोग अब यहाँ से तो बाहर निकलेंगे, क्योंकि बे तेरी मैं फिर से नीचे गिर गया। चलो कोई नहीं गाइस एक और ट्राई तो बनता है। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से ना यहाँ से मैं 2-3 बार ही नीचे गिर गया हूँ। मुझे ना एकदम पहले एकदम क्लोज जाना है, उसके बाद एकदम लॉन्ग जंप मारनी है, क्योंकि इस जगह पे ना डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो चलो गाइस फाइनली यहाँ पर इस बार एक बढ़िया सी जंप मार के मैं सीधा अंदर आ चुका हूँ। पहले मैं क्या कर रहा था ना एकदम पीछे से ही जंप मार दे रहा था। अभी सीन क्या है कि ना ये चले तो जाएगी, बट सीन ये कि इसके जो लेग्स हैं वो खराब है। तो अभी फिलहाल मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, तो शायद से ये जगह मेरे को यहाँ से बाहर निकाल देगी। तो अभी फिलहाल इधर की तरफ में तो मैं आ चुका हूँ, अभी काफी ज्यादा हमें आगे जाना पड़ सकता है।
तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल बैग ले कह रहा है कि मुझे यहाँ से लेफ्ट जाना है, तो अगर मैं इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। तो ओके, तो सामने की तरफ में एक छोटी वाली पाइप है, तो उस वाली पाइप के ऊपर चढ़कर मैं इसके ऊपर चढ़कर इसके ऊपर चढ़कर उसके ऊपर चढ़कर सीधा अंदर पहुँच जाऊँगा। और यहाँ पर ये चढ़कर कर रैप ही सुना दिया मैंने, तो जल्दी से यहाँ पर एक और जंप मारते हैं भाई, बातें कम काम ज़्यादा। फटाफट से गाइस यार ये सारी पाइप्स उनको क्रॉस करनी है भाई। ये जो काम है ना गाइस, सच्ची में एक अलग ही एडवेंचर फील हो रहा है यार इसके अंदर। ओके, तो फाइनली यहाँ पर जंप करते हैं, बस कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ना कभी कभार ऐसा होता है कई गेमों में कि पूरा काम होने के बाद जो फेल होता है ना, वो सबसे ज्यादा दुख होता है। मान लो मैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा मिशन कर डालूं, इसे स्पाइडर बोट को बाहर निकालूं, और कहीं ऐसा हो जाए कि कोई गाड़ी इसके ऊपर चढ़ के चले जाए, या फिर कुछ ऐसा सीन हो जाए कि कोई इसे और बंदा डिस्ट्रॉय कर दे। ये मैं कहाँ पर आ गया भाई, एक सेकेंड। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया कहाँ पर आ गया। जो फर्स्ट फ्लोर वाला ऑफिस था ये वो जगह है। चलो ठीक है, अभी फिलहाल जल्दी से मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। वैसे यार मेरे को खुद अंदर आने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, ये काम तो मेरी स्पाइडर बोट ही कर देती यार, मैं बेमतलब में इधर आ गया। बाकी मैं थोड़ा सा गलत आया हूँ क्या? तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी स्पाइडर बोट को लेकर काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, मुझे ना बस ये जगह और खोलनी है और अपना काम हो जाएगा। अब वहाँ पर भी मुझे इसे लेकर पहुँचना है। बाय बाय बाय, यहाँ पर मैं जंप मार भी पाऊँगा? कुछ ज़्यादा गैप लग रहा है। 3, 2, 1, लेट्स गो प्लीज। ओके, फाइनली जंप कर ले, एकदम पूरा ना कॉर्नर पे जाके जंप मारो, अपने आप काम हो जाएगा। बाकी इसको भी अभी क्रॉस करना है भाई, ये क्या ही सीन था यार। फाइनली गाइस हम लोग अपनी स्पाइडर को लेकर आ चुके हैं, जल्दी से यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ओके चलो ठीक है, अभी बस ये बाहर निकलने वाला है, बस अपना काम समझ लो गाइस, ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया। ओ, ये कहाँ मैं आ गया यार? तो कि गाइस यार, अच्छा जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, फाइनली इस स्पाइडर बोट को लेकर मैं सीधा उसी जगह पर पहुंच चुका हूँ। तो चल भाई जल्दी से अब मैं इसे उठा लेता हूँ फटाफट से, और अब गाइस यार मेरे को यहाँ से निकलना है। तो यही है वो डैमेज स्पाइडर बोट जिसके अंदर वो सारा का सारा डेटा बचा हुआ है। तो चलो अभी जल्दी से यहाँ से मैं निकलना है। बाकी तो अरे गेट के अंदर ही खुलते हैं सारे, यहाँ से रास्ता तो जा रहा है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल सबसे पहले मेरे को इसी जगह से बाहर निकलना है जिस जगह से मैं अंदर आया था। बाकी यार नीचे की तरफ में काफी सारे बंदों को मैंने मारा था, काश यार मेरे को कोई देखे ना। You found has a satellite-based GPS module that regularly pushed its location to a specific ground station. Oh, a secret location. भाई साहब ये क्या सीन है? तो गाइस ये जो मैंने स्पाइडर बोट चुराई है ना, ये मतलब कि ना शायद से कंटीन्यूअसली लोकेशन भेजती रहेगी इन पुलिस वालों को। बाकी ओ भाई साहब क्या कह रहा है यार, एक सेकंड ये देखो इसका पिकअप देखना भी। अरे भाई साहब इतना भी खास पिकअप नहीं है, पीछे अच्छी चल रही थी, इसको उल्टा चलाऊंगा मैं। ये देखो पीछे इतनी तेज जा रही है, बट आगे उतनी ज्यादा स्पीड नहीं है, बट हाँ कार काफी ज्यादा अच्छी लगी मेरे को देखने में। अभी ना गाइस इन्वेस्टिगेट द ग्राउंड स्टेशन। चलो ठीक है, अभी ना हमें ग्राउंड स्टेशन पर जाना है इसको लेकर, अभी जल्दी से वहां पर पहुंचते हैं। ये काम तो गाइस सर मैं कंप्लीट करके छोड़ने वाला हूं, क्योंकि भाई सच्ची में क्या मजा आ रहा है भाई। बाकी रुक जाओ यार, पहले ना मैं वे पॉइंट सेट कर लेता हूं। तो ओ भाई साहब अभी मेरे को काफी ज्यादा दूर जाना है, तो यही है वो ग्राउंड स्टेशन, वहाँ पर जाके हमें कुछ ना कुछ मालूम पड़ेगा। 500 मीटर दूर है यहाँ से, तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी वहीं पर भगाते हैं। बाकी ये हम झूले वूले भी झूल सकते हैं क्या, कभी आऊँगा झूलने। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल हम लोग फाइनली सीधा उसी जगह पर पहुंच चुके हैं। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर खड़े करता हूँ फटाफट से ना गाइस यार, हमें यहाँ से नीचे जाना है शायद से। तो भी जल्दी से यहाँ पर एक प्यारी सी जंप मारते हैं। बाकी एक बार ना पहले ये वाला जो एरिया मैं से इन्वेस्टिगेट कर लेता हूँ। नीचे की तरफ में यहाँ पर एक सीसीटीवी तो मैंने हैक करा है। ओके, तो यहाँ पर जो गेट है वो पूरा का पूरा बंद पड़ा है, तो सीधी बात है यहाँ से मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा, मुझे कोई ना और रास्ता ढूंढना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। तो पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे चलता हूँ यार, ये जो जगह है। ओके, तो यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, ठीक है। बाकी वहां पर ना कुछ टैग पॉइंट्स भी है, और अगर मैं टैग पॉइंट्स लूंगा तो सीधी सी बात है तुम्हारे भाई को फिर कुछ खरीदने वरीदने के लिए पैसा मिल जाएगा। बाकी अंदर जाना, ओ वाह वहां पर एक सीसीटीवी कैम है जिसके थ्रू यहाँ पर मैं इसे डिसेबल कर सकता था, बट अभी मैं इसे नहीं कर पाऊंगा डिसेबल, मुझे से डिसेबल। ओके, तो यहाँ पर है शायद से। ओ भाई मेरे को यहीं पर आना है। डिस्ट्रॉइंग है क्लोजर सर्किट, सर्किट बॉक्स विल बी अनलॉक कनेक्टेड डिवाइस बट मई अलर्ट गार्ड। ओके, तो यहाँ पर मेरे को ना सर्किट डिस्ट्रॉय करना है पूरा का पूरा, तो इसको मैं बाहर से डिस्ट्रॉय तो कर सकता हूँ, बट सीन ये है कि गार्ड आ जाएंगे। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं यार, मेरे को गार्ड से डर नहीं लगता। अभी जल्दी से यहाँ पर ये जो सर्किट है ना इसे मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ, और ये गेट ओ भाई डिस्ट्रॉय हो गया। चलो ठीक है, अभी फिलहाल ये वाला जो गेट है ये भी ओपन हो गया है। अभी जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं, और यहाँ पर इसी CTOS को इन्वेस्टिगेट द ग्राउंड स्टेशन। तो यही है ग्राउंड स्टेशन। ओके, एक्सेस गारंटेड। ओके, तो ये क्या चीज़ है? तो भी फिलहाल यहाँ पर मैंने उधर वीडियो क्लिप पर तो प्ले करा है। ओ भाई साहब, इट्स एन ऑफ द बुक्स कॉप शॉप। ये क्या है? समवन ऑन द फोर्स हैड अ बिट टू मच टाइम ऑन देयर हैंड्स। वेल, इफ आल्बम वाज स्टॉपिंग ऑल ओवर योर वर्कप्लेस, यू'd फाइंड अ डिफरेंट प्लेस टू स्टोर योर लंच टू। एंड इट सीम्स आवर मिस्ट्री ऑफिसर वाज डेडिकेटेड। सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल प्रोजेक्ट वर दे वर्किंग ऑन दैट ब्रॉट देम टू द टाउन बॉम्बिंग? द कंप्यूटर इज डस्टी एनफ टू किल एन अस्थमेटिक, बट देयर मे स्टिल बी समथिंग यूजफुल ऑन इट।
ओके तो गाइस यार ये जो जगह पर हम लोग आए हैं ना ग्राउंड स्टेशन उसी के अंदर एक बंदे ने अपना पूरा का पूरा बेस बना रखा है यार। ये देखो मतलब कि एक टाइप से जो सीक्रेट बेस नहीं होते हैकर्स के कुछ उस टाइप का। तो ये देखो यहाँ पर AK-47 पड़ी हुई है दो दो, उधर कंप्यूटर लगे पड़े हैं, इधर एक सर्वर लगा पड़ा है पूरा का पूरा। भाई पता नहीं यार क्या ही सीन चल रहा है। ओके किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। Everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved. And they're involved in other crimes we can look into. Okay. Me and a few good mates are willing to go off book, going after Mary Kelly again. I'll never fucking learn, will I? तो इसने ये जो बात है शायद से पुलिस वालों को बता दी थी, बट पुलिस वालों ने फिर भी कुछ नहीं किया क्या यार? समझा नहीं है मैं कुछ। डाउनलोड वीडियो लोग। तो चलो भी फिलहाल उस लड़की की वीडियो भी हमें मिल चुकी है, ये रही। Inspector Caitlin Lau, video log. Clan Kelly and Albion are teamed up on some deal. I don't have. ये पुलिस वालों को बता रही थी क्लैन कैली के बारे में। Human trafficking. The European processing center is the Albion angle. Since the bombings, they can grab anyone off the street, call them illegal immigrants, potential DedSec insurgents, whatever. Though we know who the real danger is. 0 day. So Clan Kelly gets hold of these people. These. Immigrants, deportees, victims, really, and they're taking them somewhere. But where? Okay, why, sir? ये जो खेल हम सोच रहे हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। Lady herself. I knew she was into something, but she wriggled off the hook. मतलब इतने बंदों का हाथ है इसके पीछे। There's only one way I can do this. 24/7 surveillance on Mary Kelly. If I'm caught, well, this will be my last entry. But I have to see what she's hiding. तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हमने इसकी तो वीडियोस देख ली है। So our mystery officer was Inspector Caitlin Lau. It sounds like Mary Kelly was her white whale, and her investigation led her to the bombings. Okay. So it just confirms that Albion and the fucking Kellys are working together. Roaches, a lot of them. It seems like Zero Day's web covers all of the unsavory bits of London. Tug on a thread, and it leads back to them. Clan Kelly and Albion included. Oh, Clan Kelly कहाँ से टपक गई मेरे को यही नहीं पता चल रहा है यार। Zero Day का तो समझ आ रहा था। We have to do something. बस 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 ज़्यादा बता दिया, बाद में पता करेंगे। तो गाइस अभी ना फिलहाल ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो खेल है ना जितना हम सोच रहे उससे कई ज़्यादा बड़ा है। तो गाइस अभी ना फिलहाल अपना चैप्टर 1 डेडसेक कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया कैली, तो भी और भी ज़्यादा मजा आने वाला है धीरे धीरे करके ना। गाइस देखो यहाँ पर एक के बाद एक अपनी सिटी खुले जा रही है, मतलब ऑलमोस्ट पूरी की पूरी खुल चुकी है, बट हमने अभी एक्सप्लोर नहीं करी है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी फिलहाल यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट है EPC, पता नहीं कोई बंदा है उससे हमें कॉन्टैक्ट करना है, बट अभी नहीं वो बाद में करेंगे। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतने ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को जाकर लाइक कर देना, वो भी कुछ ऐसे, तो यूं जाना है और ये पट्टे से लाइक का बटन दबाना है। बाकी कुछ ज्यादा तेज मार दिया मैंने इसके, इतनी तेज मार देना वरना आपका फोन भी टूट सकता है। बाकी यार यहां पर ओ तेरी भाई क्या ही मारा, दोनों लेटा दिए। चलो ठीक है भाई ज्यादा हो गया। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतने ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 4 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की वाली वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।